फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट मीन ऑफ कोची डिस्ट्रीब्यूशन, देन वी विल फाइंड आउट वेरियंस ऑफ कोची डिस्ट्रीब्यूशन. सो वी नो दैट मीन इज इक्वल्स टू फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन, विच इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज टू पावर वन. एंड एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन हम लगा देंगे, दैट इज इंटीग्रेशन ओवर द ओल्ड रेंज ऑफ एक्स, दैट इज कोची डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा जो एक्स वेरिएबल होता है जो कोची डिस्ट्रीब्यूशन को बिलोंग कर रहा है विद द पैरामीटर्स लैम्डा एंड म्यू, उसकी रेंज होती है माइनस इनफिनिटी से इन्फिनिटी. ठीक है, जिस टर्म की आप एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं साथ में पीडीएफ ऑफ एक्स वेरिएबल. नाउ कोची डिस्ट्रीब्यूशन हमारी कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट्स व्हाई हमने पीडीएफ दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहा. अगर हमारी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होती तो हम पीएमएफ दैट इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहते. हमने वैल्यू पुट कर दी पीडीएफ की हमारी जो कि ये थी एंड ये थी. ठीक है, अब इसकी वैल्यू भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दे रखा है, वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं दैट इज हमने इसकी वैल्यू कैसे निकाली स्टैंडर्ड कोची वेरिएट से. ठीक है, ओके ना, अब हमने प्लस यू एंड माइनस म्यू कर दिया. ठीक है, नेक्स्ट एक बार इसके नीचे ये टर्म, एक बार इसके नीचे ये टर्म आ गई हमारे पास. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इस टर्म को अंदर ले जाएं और इसको बाहर निकाल दें तो हम देखेंगे कि ये तो हमारा पीडीएफ है कोची डिस्ट्रीब्यूशन का. एंड हमें मालूम है दैट इज कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस में अगर हम पीडीएफ की इंटीग्रेशन कर दें ओवर द ऑल रेंज ऑफ द वेरिएबल जो यूज हो रहा है दैट इज एक्स की ओल रेंज पर, तो उसका आंसर हमारे पास वन के इक्वल होता है. दैट इज इस पूरी टर्म का आंसर हमारे पास वन के इक्वल आ गया. वन मल्टीप्लाई बाई म्यू इज इक्वल्स टू म्यू. एंड नेक्स्ट अब यहाँ पर हमने एक्स माइनस म्यू को हमने वाई पुट कर दिया. ठीक है, सो दैट्स वाई यहाँ पर वाई आ गया. वैसे ही आप देखिए एक्स की लिमिट्स थी हमारे पास यहाँ माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी, हमें निकालनी है वाई की लिमिट्स अब बिकॉज वाई वेरिएबल यूज कर रहे हैं. सो जब एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी थी तब वाई की वैल्यू क्या आएगी, ऑब्वियसली इन्फिनिटी आ जाएगी. ठीक है, जब एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तब भी वाई की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी ही आ जाएगी. नेक्स्ट अब हमें निकालना है डी एक्स की जगह पर डी वाई. ठीक है, बोथ साइड्स अगर हम डिफ्रेंशिएशन कर दे तो ऑब्वियसली ये तो कॉन्स्टेंट टर्म है, हमारे पास आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई. दैट्स वाई हमने dx की जगह पर dy पुट कर दिया. नेक्स्ट जो नीचे हमारे पास लैम्डा स्केयर प्लस वाई स्केयर था उसको भी हम t पुट कर देंगे. ठीक है, दोनों साइड अगर डिफ्रेंशिएशन की हमारे पास ये आ गया और यहाँ से हमारे पास वैल्यू निकली वाई डी वाई की. ठीक है, ये वाई डी वाई की वैल्यू हमारे पास निकली हाफ डी टी, हाफ हमने बाहर रख दिया बिकॉज इट्स अ कॉन्स्टेंट टर्म एंड डी टी हमने यहाँ पर रख दिया. इसकी जगह पर हमने t पुट कर दिया. प्लस म्यू तो हमारा ऐसे ही चल रहा था. अब वैसे ही लिमिट्स ये तो थी वाई के लिए, अब हमें लिमिट्स निकालनी है टी के लिए. सो ऑब्वियसली जब आप वाई की जगह पर इन्फिनिटी पुट करेंगे टी की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट जब y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे t की वैल्यू अगेन माइनस इन्फिनिटी आ जाएगी. दैट इज लिमिट्स आपकी सेम ही रहेंगी. ठीक है, अब आपने इंटीग्रेशन की अगर 1 अपॉन t की तो वो आ जाएगी लॉग मॉड्यूलस ऑफ द t. ये लिमिट्स हमने यहाँ पर लिख दी. जब इनको हमने टर्न बाय टर्न इसमें पुट किया दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको पुट करेंगे देन माइनस फिर इसको पुट करेंगे. वी नो दैट लॉग इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, दैट इज ओवरऑल ये टर्म तो हमारी इन्फिनिटी बन जाएगी. ठीक है, इन्फिनिटी प्लस म्यू इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, दैट इज डज नॉट एग्जिस्ट. सो दिस मीन्स दैट इज जो मीन है कोची डिस्ट्रीब्यूशन का वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा बिकॉज ये जो इंटेग्रल है ये कन्वर्जेंट नहीं है बिकॉज इसका आंसर है जो वो हमारा डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है. ठीक है, बट इफ वी कन्वेंशनली एग्री टू एज्यूम दैट मीन ऑफ कोची डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट देन वी विल फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दैट इंटेग्रल. दैट इज बेसिकली हम यहाँ पर लिमिट्स इन्फिनिटी इन्फिनिटी पुट करने की जगह n पुट कर देंगे और n को इन्फिनिटी अप्रोच कर देंगे. दैट इज बेसिकली वही सेम बात ही है. ठीक है, सो हमने वही किया, यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू लिख ली उस इंटेग्रल की जो हमारा कन्वर्जेंट नहीं था. नेक्स्ट अगेन द सेम थिंग, दैट इज हमने इसकी इंटीग्रेशन की, हमारे पास लॉग मॉड्यूलस t आ गया. नेक्स्ट t की वैल्यू देखिए हमने पीछे क्या पुट की थी, लैम्डा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. नेक्स्ट देखिए हमने y की वैल्यू क्या पुट की थी, x माइनस म्यू स्क्वायर. ठीक है, एंड नेक्स्ट हमने इन लिमिट्स को पुट कर दिया. दैट इज एक बार हम इस पूरी टर्म में x की जगह पर n पुट करेंगे एंड देन एक बार इस पूरी टर्म में x की जगह पर माइनस n पुट करेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट log m माइनस log n इज ऑब्वियसली इक्वल्स टू log m डिवाइड बाय n. ठीक है, अब इस टर्म और इस टर्म से एक तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमने n स्क्वायर कॉमन निकाल लिया दोनों टर्म्स में से. फर्दर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि n स्क्वायर को हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, एंड n स्क्वायर को ही हमने डिवाइड कर दिया. देखिए जब n स्क्वायर को इन टर्म्स के साथ डिवाइड करेंगे यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर. जब यहाँ पर डिवाइड करेंगे n स्क्वायर दैट इज स्क्वायर स्क्वायर, पावर कॉमन हो जाएगी n अंदर चला जाएगा, दैट इज n डिवाइड बाय n कट हो जाएगा 1 माइनस म्यू डिवाइड बाय n ओवरऑल स्क्वायर. ठीक है, सो हमारे पास ओवरऑल ये टर्म आ गई हमारे पास. ठीक है,
नाउ अब अगर हम लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, दैट इज जहाँ पर एन लिखा है वहाँ पर इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो देखिए समथिंग अमाउंट में इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू जीरो, दैट इज ये टर्म जीरो बन गई, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, हमारे पास ओवरऑल रह जाएगा लोग वन लोग वन, ठीक है, दैट इज नीचे तो वन ही रहेगा, दैट इज ओवरऑल लोग वन रह जाएगा एंड लोग वन की वैल्यू जीरो होती है, सो जीरो मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म इज अगेन जीरो, दैट इज जीरो प्लस म्यू इज इक्वल्स टू म्यू विच इज द मीन ऑफ द कोची डिस्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट वी विल फाइंड आउट वेरियंस ऑफ कोची डिस्ट्रीब्यूशन. वी नो दैट वेरियंस इज इक्वल्स टू सेकंड मोमेंट अबाउट मीन विच इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू रेज टू पावर स्क्वायर, ठीक है. अब एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन क्या होती है, ऑब्वियसली ओवर द होल रेंज ऑफ एक्स साथ में आएगी आपकी इंटीग्रेशन एंड साथ में आएगा आपका जिस टर्म की आप एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं साथ में पी डी एफ ऑफ दैट वेरिएबल, सॉरी यहाँ पर एक्स आना था, एक्स वेरिएबल यूज कर रहे हैं सो उसी का पी डी एफ होगा. पीडीएफ की हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, नेक्स्ट हमने प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर किया, एक बार इस टर्म के नीचे ये टर्म आएगी वन वन ये कैंसिल होकर हमारे पास वन रह जाएगा, एक बार इस टर्म के नीचे हमारी ये टर्म आएगी एंड नेक्स्ट अब आप खुद देखिए दैट इज अगर हम इसकी इंटीग्रेशन करें हमारे पास एक्स आ जाएगा, ठीक है, और जब इसकी लिमिट्स पुट करेंगे हमारे पास इन्फिनिटी ही आएगा इस टर्म का आंसर, दैट इज अगेन दिस डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है. और अगर इसकी वैल्यू की तरफ देखें हम, इसको बाहर निकालेंगे इसको अंदर रखेंगे तो बेसिकली इट इज़ द पी डी एफ ऑफ द कोची डिस्ट्रीब्यूशन, सो ओवरऑल इंटेग्रल की वैल्यू हमारे पास वन आ जाएगी. बट यहाँ पर ये टर्म तो हमारी इन्फिनिटी बन जाएगी, दैट इज डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज वेरियंस ऑफ कोची डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट. एंड फर्दर और हमें और भी मालूम होना चाहिए, दैट इज हमारे जो कोची डिस्ट्रीब्यूशन के बाकी भी सभी मूवमेंट्स होते हैं, दैट इज म्यू आर, दैट इज आर्थ मूवमेंट अबाउट मीन, ये उसका साइन है, अगर हम आर की वैल्यू टू या उसके बड़ी कोई भी पुट कर दें, दैट इज म्यू टू म्यू थ्री म्यू फोर कुछ भी पुट करें, वो सभी हमारे एग्जिस्ट नहीं करते कोची डिस्ट्रीब्यूशन में. थैंक्स फॉर वॉचिंग आर वीडियो. इफ़ यू लाइक आर वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. एंड हमने और भी डाइस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस, काई डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, टीएफजेड डिस्ट्रीब्यूशंस, इन सभी पर भी प्लेलिस्ट्स बनाई हुई हैं, आप एक बार भी जाकर उन्हें जरूर चेक करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.